सब पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। आला देव गंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं आज सूर्यवंशी देखने, और काफी दिनों बाद, काफी सालों बाद, देख दो साल हो गए, दो साल थिएटर तो बंद ही थे लॉकडाउन के चक्कर में, तो दो साल बाद थिएटर बंद होने के बाद, दोबारा से शुरू होने के बाद हम जा रहे हैं थ्री स्टार्स मूवी, मतलब तीन बड़े स्टार्स जो है वो है इस मूवी के अंदर, सूर्यवंशी देखने। तो आइए दिखाते हैं हम आपको क्या क्या करते हैं देखने के साथ साथ, है ना। चलिए मिलते हैं आगे। हमारी गाड़ी हो गई स्टार्ट और हम निकल चुके हैं। एक बाइक पे जाहिद और रेहान है और एक बाइक पे मैं और फैजान। फैजान गाड़ी चला रहा है और मैं शूट कर रहा हूँ। आगे पेट्रोल पंप है तो मैंने फैजान को बोला था कि आराम से चला दो, तो हमको पेट्रोल डलवाना है। ये लोग निकल जाए तो निकल जाने दे, हम इनको कवर कर लेंगे। सो हम पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं और गाड़ी का पेट्रोल डलवा रहे हैं, और पेट्रोल बहुत महंगा है यार। हमारे यहाँ पे इंदौर में 107 रुपये का रेट है। आप लोग जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं अपने अगर रेट ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पर क्या रेट है पेट्रोल का। वैसे हमारे यहाँ कम हुआ है, कल 117 था और आज 107 है, तो करीब 10 रुपये कुछ कम हुआ है पेट्रोल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पीवीआर पर, सामने जो मॉल दिख रहा है उसमें पीवीआर है और हमारी टिकट ऑलरेडी पीवीआर पे बुकिंग है। तो रेहान और जाहिद ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ऊपर। सो हम भी वहीं उनके पास पहुंचते हैं जल्दी से। हम पहुंच चुके हैं अंदर थिएटर में और मूवी स्टार्ट होने वाली है और हम इंतज़ार कर रहे हैं स्टार्ट होने का। ये फोटो लिया था क्योंकि वीडियो बनाना, आपको एंट्री दिखाता हूँ। अक्षय कुमार इंटरवल हो चुका है और हम निकले हैं बाहर देखने के लिए। कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, आप सबको पता है। और ये पीवीआर वालों ने बहुत ही प्यारी सी रंगोली बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉट इसका भी हो जाए और आपको दिखा दो कि रंगोली कैसी बनाई है। ये वाइड एंगल में शूट की है तो अच्छी लगी उसे, पीवीआर ने अच्छी रंगोली बनाई हुई है पीवीआर वालों ने। सो ये फैजान और जाहिद का फ़ोटोशूट चल रहा है यहाँ पर, और रेहान साइड में खड़ा हुआ है ऐसे ही, उनका फ़ोटोशूट देख रहे हैं हम। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, एक ओपिनियन, एक ओपिनियन भाई। स्टोरी मतलब जो चल रही है बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है, स्लो से एकदम मजा आ रहा है, मजा आया। अभी सेकंड जो रहेगा ना, जो इंटरवल के बाद का वो पूरा मेन है, उसके अंदर होने वाली एंट्री अजय देवर और सिम्बा की, तो मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ओवरऑल फर्स्ट जो हाफ है वो हमने देख लिया है और अभी तक तो ठीक ही लगा है, स्टोरी भी ज़्यादा फेंका फूक भी हुई नहीं है, लिमिटेड ही है। जैसा बोला जा रहा था मसाला मूवी, तो हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा फेंका फाकी होगी, मसाला मूवी में जब तक फेंका फाकी होती है मज़ा भी नहीं आता। हाँ ये भी वैसे ये मसाला मूवी है, लेकिन अभी तक अच्छा गया है। फर्स्ट हाफ हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, अब सेकंड हाफ में देखते हैं क्या होता है। अब सेकंड हाफ का हम जब निकलेंगे मूवी देखने के बाद तब हम ओवरऑल रिव्यू करेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ जुड़ गया है, अच्छे दो गाने आए थे शायद, गाने भी अच्छे और मूवी भी फिलहाल अच्छी लगी है। तो मिलते हैं आप लोगों से सेकंड हाफ देखने के बाद में, आप लोग भी लिखे जाके।
पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। पूरी मूवी देख ली हमने और यकीन मानो हमने इस एंट्री के लिए ही पूरी मूवी देखने गए थे, जो कि आखिरी में अजय देवगन की हुई थी। सिंगम वाली जो एंट्री थी ना, उसी को देखने के लिए खास करके मूवी देखने गया था मैं तो। बाद में खैर मूवी हमें अच्छी लगी, मूवी का रिव्यू हम बाद में करेंगे घर पहुँच के। तो मिलते हैं घर पर आपसे। कहाँ भाई जाओ? ये हमारे रेहान भाई हाय करते हुए या बाय करते हुए समझ में नहीं आ रहा। हेलो गाइस, और हम आ चुके हैं वापस घर पर और मूवी हमने देख ली है सूर्यवंशी। तो ओवरऑल अब मूवी का हम रिव्यू करेंगे। मूवी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, एक मसाला एंटरटेनर मूवी थी। तो मसाला मूवी जिनको पसंद आती है उनको तो बहुत ही जबरदस्त लगेगी। जिनको इस तरह के सीन पसंद आते कि एक बंदा दस दस को मार रहा है, उन लोगों को वो मूवी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और स्टोरी वाइज भी मूवी की बात करें तो ठीक ठाक थी। स्टार्टिंग में स्लो थी थोड़ी, बट सेकेंड हाफ जो था थोड़ा फास्ट कवर कर लिया उन्होंने, पूरा उसको कवर कर लिया। साथ में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसमें जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मैसेज दिया है वो बहुत शानदार, वो बहुत अच्छा लगा। साथ में अजय देवगन और जो रणवीर सिंह की का जो केमियो है वो भी बहुत ही अच्छा लगा। और एंड का क्लाइमेक्स तो भाई अजय देवगन ही पूरा लेके जाते हैं। बिल्कुल, क्लाइमेक्स तो पूरा अजय देवगन के नाम पे रहा। हाँ। उन्होंने बचाया और उन्होंने पूरा एंड किया है। सर ने जेकी शाह को धमकी भी दी है, तू रुक मैं आ रहा हूँ, तू रुक वहीं पे रुक। तो सिंगम थ्री का भी हिंट दे दिया। तो जो इनकी नेक्स्ट मूवी होगी इनकी फ्रेंचाइजी की वो कंटिन्यू होने वाली है और वो सिंगम थ्री होगी। बिल्कुल, और जेकी शाह का एंड शायद हो सकता है सिंगम थ्री में हो, क्योंकि जेकी शाह इस मूवी में बच जाते हैं और वो उतने बच्चों से वादा करते हैं कि मैं बदला लूंगा। बिल्कुल है ना, मैं इस जंग को आगे चलाऊंगा बढ़ाऊंगा। तो वो चीजें हैं। अब खैर मैं ये तो स्पॉइलर हो गया, कोई बात नहीं, चले अभी तो सभी ने देख ही लिए तो स्पॉइलर जाए बाहर में। बात करते हैं, कोई रिव्यूअर थोड़ी ना, रिव्यूअर नहीं है तो हम इतना बोल सकते हैं, ठीक है ना भाई, ये एंड था। अब हाँ, लेकिन बीच में बहुत एंटरटेनिंग, पूरी मूवी को देखने में अलग ही बात है, भले स्पॉइलर दे दूं, लेकिन मूवी के अंदर जो जोक्स है, जो मूवी की स्टोरी है उसके बीच में जो जोक्स चलते हैं, जो एक्शन होता है वो देखने आपको बहुत मजा आएगा। अक्षय कुमार के भी कुछ एक्शन सीन्स हैं, और खास करके मुझे रणवीर सिंह की बात करूं तो उनका जो कैमियो था वो बड़ा कॉमिक रोल था उनका, वही जो एक्चुअली सिम्बा था। कॉमेडी अच्छी करी उन्होंने, बहुत कमाल की कॉमेडी की है, बहुत कमाल। बट कभी कभी मैं कहूंगा एक्शन के बीच में जो कॉमेडी हो रही थी वो काफी अनरियलिस्टिक लग रही थी कि ये मैटर समझ में नहीं आ रहा है, इतना सीरियस एक्शन चल रहा है। मतलब अजय देवगन को भी सीरियस दिखाया, अक्षय कुमार को सीरियस दिखाया, और रणवीर कपूर धीरे से फुल्लड़ रहा है, जॉक्स मार रहे हैं, और अक्षय कुमार भी शुरू हो गए फिर उसके सामने, ये मुझे गंदे में इसको गोली मारता हूँ ये वो, तो वो मुझे कहीं से कहीं तक रियल नहीं लगा, वो पूरा ड्रामेटिकल था। और मूवी के अंदर ये इस टाइम पे आई थिंक इतना ड्रामा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल अच्छा लगा। तो गाइस यही था हमारा इस मूवी, यही था हमारा रिव्यू, आगे वहीं पे हम खत्म कर देंगे। Thank you.